तुम्हें जाना है ना तो 3 महीने का नोटिस पीरियड देके जाना पड़ेगा। 3 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करके जाना? 3 महीने का नोटिस पीरियड देना होगा, पता है? 3 महीने का नोटिस, 3 महीने का, 3 महीने का नोटिस पीरियड देके जाना पड़ेगा। क्या हो बे? कुछ नहीं यार, हुआ ऐसा के बोलो। अभी ये सबका ज्यादा नहीं सोचने का। अरे क्यों कुछ ना सोचू यार, एक तो सैलरी कम, ऊपर से नोटिस पीरियड ज्यादा रखा है इन्होंने। अबे सबके इधर यही हाल है मामू, लेकिन जगह अच्छा है। वैसे यहाँ सैलरी कब बढ़ती है? तू ज्वाइन कब हुआ? बस ये लास्ट मंथ जनवरी को। बस तो नेक्स्ट जनवरी के 3 महीने बाद बढ़ जाएगा तेरा सैलरी। क्या, ये तो बहुत लेट है। वैसे ये लोग कितनी बढ़ाते हैं? तेरी कितनी है? 15,000। बस तो 1500 बढ़ जाएगा तेरे। क्या भाई, ये तो बहुत कम है। अबे यहाँ ऐसा ही है, मुझे देखो 4 साल में धीरे 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 ऊपर आया हूँ। क्या? अच्छा आपकी कितनी है? सॉरी, इट्स कॉन्फिडेंशियल। यार इतने में मैं बचाऊँ क्या और घर पे क्या भेजूँ, यही समझ नहीं आ रहा। मुझे लगा प्रोबेशन खत्म होने के बाद परफॉर्मेंस देख के कुछ तो बढ़ाते होंगे। घर पे कोई प्रॉब्लम है क्या मामू? हाँ यार, घर पे पैसे भेजने होते हैं और अभी कमाने वाला सिर्फ मैं अकेला ही हूँ। चलो मैं पानी भर के आता हूँ। सर सर सर, क्या खबर लाए हो? टेंशन मत लो सर, बहुत मजबूर आत्मा है, घर पे बहुत प्रॉब्लम है पैसे का। चलो अच्छा है, मतलब दबा के रखेंगे तो कुछ बोलेगा नहीं। ये लो इसी बात पे बिस्किट खाओ। थैंक यू सर। आ गया। वैसे आज तो 25 है ना, तो सैलरी तो आ जाएगी ना? अकाउंट वाले को मैसेज करके पूछ ले। ए, बातें क्यों कर रहे हो, प्रोजेक्ट हो गया? कर रहा हूँ सर, बस हो रहा है सर। जल्दी करो, पूरा दिन बातें करते रहते हो। जी सर। ये अकाउंट वाले का नाम क्या है? जगीरा। क्या, ये कैसा अजीब नाम है? इसमें अजीब क्या लगा है तेरे को? कुछ नहीं, आज बोले। अबे ये तो शायद बोल रहे। अरे टेंशन मत ले रहे, शाम तक आ जाएगी शायद। पल 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 पल, हर पल हर पल, कैसे कटेगा पल, हर पल हर पल, पल 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 पल, हर पल हर पल, कैसे कटेगा पल, हर पल हर पल। दिल 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 में मची है, मची मची है हलचल। अरे 2 दिन हो गए यार, अब तक सैलरी नहीं आई। अरे 4 दिन हो गए यार, अब तक सैलरी नहीं आया। 29 तारीख हो चुकी है। आस्क अकाउंट वाला अगेन। पूछता हूँ, प्रोजेक्ट हो गया? हाँ सर, आपने प्रोजेक्ट दिया ही कहाँ है आज। तो क्या दूसरों को डिस्टर्ब करोगे, पूरा दिन बातें ही करनी है बस। सॉरी सर। हर पल हर पल, कैसे कटेगा पल, हर पल हर पल, हा 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 हा, ला ला। आज बोल रहे शायद हो जाएगी। भाई सैलरी हो गई और पता है 25,000 दिए मुझे। क्या? हाँ लगता है कंपनी ने मेरे काम से खुश होके सैलरी बढ़ा दी। तो तेरे को किसी ने बताया नहीं क्या? क्या ये जो 10,000 है ना, ये तेरे को अकाउंट वाले को कैश निकाल के वापस देने हैं। क्या वापस क्यों दूँ, और वो भी कैश निकाल के? तुम एक काम करो, अकाउंट वाले से बात कराओ, गो टॉक टू हिम। ठीक है अभी मिल के आता हूँ मैं। प्रोजेक्ट हो गया? सर अकाउंट्स में जाके आता हूँ, 2 मिनट। पूरा दिन घूमते रहते हो। Accounts department. हेलो सर। बोलो। सर मेरे अकाउंट में 25,000 जमा हुए हैं ना, तो पार्टी देनी है क्या? पर मेरी सैलरी 15,000 है। अरे हाँ हाँ हाँ, अरे वो पैसे तुमको हमको कैश निकाल के देने। पर क्यों सर? अरे बड़ी बड़ी कंपनीज में ऐसी चीजें होती रहती है, टैक्स बचाने के लिए करते हैं हम ये चीज, तुम बस निकाल के दे दो हमको। ये तो गलत है सर। इसमें गलत क्या है, तुमको 25,000 सैलरी स्लिप मिल रही है कि नहीं? नेक्स्ट कहीं भी जाओगे तुमको 25,000 से कम थोड़ी देगा कोई भी, तुम्हारा भी फायदा हमारा भी फायदा, अभी इसमें गलत क्या लगा तुमको? लेकिन सर ये तो देश के साथ धोखा है एक तरह से। देखो ज़्यादा बहस मत करो, सीधा 10,000 निकाल के दे दो। अरे सॉरी सॉरी, वो उसमें से 200 टैक्स और कटेगा तो 10,200 निकाल के दे दो। अरे इसका लेट कमिंग लाओ। हाँ ये देखो, तुम्हारे लेट कमिंग में से 1,300 रुपये कटेंगे, यानी 11,500 निकाल के दे दो। ठीक है सर, इतना लेट कमिंग? चुप मेरे मन को भाया, मैं तेरा लेट कमिंग काट के खाया। फिल्टर कॉफी पी के पला है जगीरा, हमसे ना भिड़ियो। सर एक काम कीजिए, मैं आपको सारे पैसे निकाल के वापस देता हूँ, आप मेरे अकाउंट में सिर्फ 15,000 रुपये जो कि मेरी सैलरी है वही जमा कराइए, और मेरी सैलरी स्लिप में भी सिर्फ 15,000 ही लिखिए। चूतिए हो क्या, इतनी बड़ी सैलरी स्लिप मिल रही है वो नहीं चाहिए तुमको?
सर वो क्या है ना, हमारे यहाँ जो मेहनत से ज़्यादा मिलता है ना, उसे हराम की कमाई कहते हैं। ज़्यादा बकवास ना करो मेरे साथ, तेरे से बहुत सीनियर हूँ मैं। सर सीनियर तो है आप, मुझसे भी और करप्शन में भी। अच्छा तो तुमको ये लग रहा है तुम्हारे अकेले के ना लेने से पूरा देश बदल जाएगा है? सर बदलाव जो है वो एक इंसान से नहीं आता, लेकिन एक इंसान उस बदलाव को शुरुआत करने की पहली कड़ी ज़रूर होता है। बेटा ऐसा है ना, ऐसी कई कड़ियाँ शुरू होने के बाद कहीं और जुड़ नहीं पाती है, ये याद रखना। सर आपकी इस करप्शन की चेन में जुड़ने से अच्छा है ये कड़ी अकेले ही रहे। सर आपको पता है इस देश के गरीब जो है ना, वो आप जैसे लोगों की वजह से ही ज़्यादा गरीब हो रहे हैं। यही नहीं सर, जो हमारे जवान खड़े हैं हमारी सरहद पे, जिनकी वजह से आप और मैं चैन की नींद सो सकते हैं, ये टैक्स उन तक जाता है सर, और आप ये टैक्स ना भर के उन्हें कोई सहयोग नहीं दे रहे। सर मान लीजिए कल को देश में कोई ऐसी विपदा आ गई, कोई ऐसी मुसीबत आ गई कि ये देश को हमारे टैक्स की बहुत ज़रूरत पड़े, लेकिन आपका ये आज टैक्स ना भरना, ये उस बात का संकेत है सर कि उस टाइम देश को भी दूसरों से मदद मांगनी पड़ेगी, और ये आपकी बहुत बड़ी हार होगी सर इस देश के नागरिक होने की वजह से, क्योंकि आप अपना काम आज सही नहीं कर रहे। आपको आज टैक्स भरना चाहिए सर, ये आपके अभी के लिए नहीं है सर, ये देश के कल के लिए है। और सर एक चीज़ हमेशा याद रखना सर, जब हम सोते हैं ना रात को तो हम एक चैन की नींद आनी चाहिए, गर्व की नींद आनी चाहिए। मैं रात को गर्व से सोना चाहता हूँ सर, शर्म से नहीं।